नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तैयारी जीत के चैनल पर। करंट अफेयर की सीरीज चल रही है चैनल पर, उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। साथ ही साथ जीएस के वीडियोस को भी जो है अब अपलोड किया जाएगा, और इस क्रम में जीएस, हिंदी और करंट अफेयर इन तीनों की ही प्लेलिस्ट जो है मैं तैयार करने जा रहा हूँ। वहाँ पर आपको जो है वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगी। आज जीएस का ये वीडियो है और इसका जो बेसिक्स है वो एनसीईआरटी पर आधारित है। प्रश्न जो है डायरेक्ट नहीं है, थोड़े कठिन है, थोड़े टफ क्वेश्चंस मैं इसे कहूँगा, लेकिन ये वीडियो जो है सीखने के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगी, क्योंकि यूपीपीसीएस में और आरओआरओ में डायरेक्ट प्रश्न भी पूछे जाते हैं और साथ ही साथ स्टेटमेंट के रूप में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा हैं और जो लोग एनसीईआरटी रेगुलर पढ़ते आ रहे हैं उनके लिए ये वीडियो ईजी रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज के वीडियो जो है आपको सीखने के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो पहला प्रश्न देखते हैं। क्रम संख्या पर ध्यान मत दीजिएगा, क्रम संख्या 45, 28, 56 इस तरह से आगे पीछे हो सकता है। यहाँ पर प्रश्नों का सिलेक्शन किया गया है जो कि इम्पोर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला प्रश्न जरा देखिए, यहाँ पर बताना है कि कौन सही सुमेलित है, यमुना, ब्रह्मपुत्र, रावी, नर्मदा। और नीचे ऑप्शन देख लीजिए, 1, 2, 2, 3, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो इस तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कौन सही सुमेलित है, यमुना, चंबल, सिंध, केन, बेतवा, टोंस, ब्रह्मपुत्र, मानस, सुबनसिरी, तिस्ता, संकोस, रेडाक, रावी, दिहांग, लोहित, धनश्री, लोहित कलांग, कपिली, नर्मदा, भीमा, तुंगभद्रा। तो यहाँ पर यमुना ये बिल्कुल सही है। बेतवा से कई बार यूपीपीसीएस में प्रश्न पूछा गया है, बेतवा पे कौन सा बांध है, माता टीला बांध, ठीक है। और यहाँ पर जो स्थित बांध परियोजना है वो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। तो ये डायरेक्ट प्रश्न कई बार पूछा गया है। चंबल पे भी कई सारे बांध हैं, चंबल नदी पर, इस पर भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर 1 और 2 सही है। ब्रह्मपुत्र पूर्वोत्तर भारत की एक बहुत बड़ी नदी, मानस, सुबनसिरी, तिस्ता, संकोस, रेडाक, और नर्मदा ये जो है कृष्णा आएगा यहाँ पे। भीमा और तुंगभद्रा जो है वो कृष्णा नदी की सहायक है, कृष्णा दक्षिण भारत की नदी है। रावी ये गलत है। दिहांग, लोहित, धनश्री, लोहित कलांग, कपिली, मानस, सुबनसिरी, तिस्ता, संकोस, रेडाक, ये दोनों ही लाइनें ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियाँ हैं। तो ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी नदी है, इसके ऊपर दुनिया का सबसे बड़ा नदीय द्वीप भी है, माजुली द्वीप, जिस पे प्रश्न पूछा जाता है कि दुनिया का, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वारा निर्मित द्वीप किस देश में है, भारत में है, माजुली द्वीप उसका नाम है, ब्रह्मपुत्र नदी द्वारा बनाया जाता है। तो यहां पर केवल और केवल ऑप्शन ए। एनसीईआरटी जरूर पढ़िएगा दोस्तों, एनसीईआरटी से यूपीएससी तक की परीक्षा जो है क्लियर की जा सकती है, और आरओआरओ और यूपीपीसीएस का जो बेसिक आधार है, कई सारे प्रश्न जो हैं डायरेक्ट वहीं से बनकर आते हैं। अब यहाँ पर सुपरसोनिक, ट्रांसोनिक, सबसोनिक, हाइपरसोनिक गति से जो क्रम लगाना है ये बताना है, सबसे पहले, सबसे कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। आपने सुना होगा सुपरसोनिक मिसाइल्स के बारे में, तो आवाज़ की गति से भी तेज चलने वाली मिसाइलें, उस क्रम में सबसे पहले हो जाएगा आपका सबसोनिक, फिर आएगा ट्रांसोनिक, और फिर आएगा हाइपरसोनिक, और फिर आएगा सुपरसोनिक। यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। इस तरह के प्रश्नों के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। तो 28वें का सही जवाब है ऑप्शन बी। चलिए यहाँ पे देखिए, यूपीपीसीएस और आरओआरओ में कृषि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार गेहूं जैसी रबी की फसल को क्षति पहुंचाता है। प्रश्न देखिए दे रखा है कि गेहूं जैसी, डायरेक्ट उसको कहना चाहिए कि रबी की फसल को क्षति पहुंचाने वाले खरपतवार कौन से हैं। खरपतवार क्या होता है, जो कि फसलों की वृद्धि को रोक देता है, फसलों के साथ जो छोटे मोटे पौधे उगते हैं वो खरपतवार होता है, जिनका कोई यूज़ नहीं होता है, वो किसान की जो फसल है उसके उत्पादन को रोक देते हैं। तो यहाँ पर रबी की फसलों को क्षति पहुँचाने वाला पूछा है, तो ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है आरओआरओ का, देख लीजिए ऑप्शन इस तरीके से दिया हुआ है। आपसे रबी की फसल का पूछा जा सकता है, आपसे खरीफ की फसल का पूछा जा सकता है। तो रबी मंडूसी, हिरनखुरी, बथुआ, ठीक है, बाकी
मोथा और चौलाई जो है वो खरीफ ऋतु की फसलों के खरपतवार हैं। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा 3, 4 और 5। 27वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, 3, 4 और 5। मोथा और चौलाई याद रखना है आपको, खरीफ दो बार पूछा गया है प्रश्न। कृषि से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है कम से कम 5 से 7 प्रश्न जो है रहेंगे। यहाँ पर्यावरण से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया हुआ है, ऑप्शन देखिए इस तरीके से आपको एग्जाम में सुमेल करने को आ सकता है। तो यहाँ पे भारत में पाए जाने वाले 4 तरह के वनों की विशेषताओं के बारे में बात की गई है, तो जरा हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसका ऑप्शन जो है सुन लीजिए, फिर मैं विस्तार से बताता हूँ। 44वें का सही जवाब है ऑप्शन ए, ए जो है आपका सुमेल होगा उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन। ये ऐसे वन होते हैं जहाँ पर दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है और 12 महीने जो है पेड़ वन जो है यहाँ के हरे भरे रहते हैं। तो ये जो स्थिति है भारत में पश्चिमी घाट में बनती है, जहाँ सह्याद्री वन भी जिनको कहा जाता है केरल के साइड। पूर्वोत्तर भारत, पूर्वी जो भारत है हमारा, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, वहाँ के वनों में भी इसी तरह के जो है सदाबहार वर्षावन देखने को मिलते हैं, आर्द्र वर्षावन। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ठीक है, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान यहाँ पर बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। दूसरा है बी का आपका 4 से सुमेल होगा उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन, जो कि पत्तियाँ गिरा देती हैं, गर्म जलवायु की उष्णकटिबंधीय नम पर्णपाती वन। तो ये होगा पश्चिमी घाट का विस्तृत क्षेत्र, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, छोटा नागपुर का पठार, शिवालिक के प्रमुख भाग। उसके बाद है उष्णकटिबंधीय नम अर्ध सदाबहारी वन, और सी आपका सुमेल होगा ऑप्शन 1 से। ये होता है आपका उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन के इर्द गिर्द कम वर्षा वाले क्षेत्र, उड़ीसा के तटीय भाग और पश्चिम बंगाल के डेल्टाई भाग। और उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन यानी कि शरद ऋतु वाले वन, तो ये हिमालय के निचले भाग में तराई के क्षेत्र, ठीक है। चलिए यहां पर देखिए 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कौन सा कथन सही नहीं है। अरब सागर के द्वीपों का निर्माण मूंगे से हुआ है, ये मूंगे से घिरे हुए हैं। आपने सुना होगा लक्षद्वीप के बारे में, तो लक्षद्वीप जो है मूंगे की चट्टानों से बने हुए द्वीप समूह है, 36 द्वीप समूह है। तो वो कहाँ स्थित है, अरब सागर में। तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही बात है, यहाँ पे जितने भी द्वीप हैं अरब सागर में वो मूंगे से जो है उनका निर्माण हुआ है। कोको चैनल अंडमान द्वीप समूह को म्यांमार के द्वीपों से पृथक करता है, ये स्टेटमेंट भी सही है। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप अंडमान द्वीप समूहों में ज्वालामुखी से उत्पन्न 2 द्वीप हैं। अब तक हमने कई बार परीक्षाओं में बैरन द्वीप का नाम बार बार सुना है, लेकिन याद रखना है आपको नारकोंडम द्वीप भी जो है वो अंडमान द्वीप समूह का ही हिस्सा है, जो कि ज्वालामुखी से उत्पन्न द्वीप है। तो बैरन द्वीप और नारकोंडम, ये भी कथन सही है। तो यहाँ पे जो कथन गलत है वो है न्यू मूर द्वीप और लोथियन द्वीप अरब सागर के द्वीप हैं, तो ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको तैयार रहना है दोस्तों। चलिए आज का जो वीडियो है और जो MCQ है वो थोड़े कठिन जरूर हैं, लेकिन मैंने जो वीडियो के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं वो आपको सीखने के पर्पस से जो है सिलेक्ट किए हैं। प्रश्न आपसे गलत हो जाता है, कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है, आपको सीखना है मेनली, क्योंकि यहाँ से प्रश्न जो है डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं। मान लीजिए कई बार जो है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है कि दांतों और हड्डियों को सुदृढ़ करने में कौन सा जो है तत्व महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो कैल्शियम, फॉस्फोरस, यूरिया, इस तरह के ऑप्शंस जो है देखने को मिलते हैं। तो फॉस्फोरस को बार बार हम टिक करेंगे, तो यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में दिया हुआ है। इसी तरीके से पूछा हुआ है कौन सा तत्व जो है ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, लोह तत्व जो है उत्कों के ऑक्सीकरण के लिए आवश्यक है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। हमारे शरीर में होने वाले अधिकतर जैव रासायनिक अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से होती हैं, तो तीसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। मानव पाचन क्रिया में रुक्षांश की भूमिका मात्र अपशिष्ट के रूप में होता है, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि मानव पाचन क्रिया में रुक्षांश की भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और जो फल सब्जी पाए जाते हैं उसमें जो सेलुलोज होता है वो जो है हमारे रुक्षांश का एक उदाहरण है। तो यहाँ पर ऊपर के तीनों स्टेटमेंट सही हैं, अंतिम स्टेटमेंट गलत है, तो ऑप्शन डी आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर का प्रश्न है UPPCS का। इस तरह के प्रश्नों के लिए आपको NCERT पढ़ते रहना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप जो है इतने डीप क्वेश्चंस को हल कर पाएंगे। अब यहां पे देखिए
अवरक्त विकर्ण, इस पर ना जाने कितनी बार प्रश्न पूछा गया, कई बार प्रश्न पूछा गया, जैसे कि मैं अभी आपको बताता हूँ। यहाँ पर देखिए कथन दे रखा है, रात्रि में देखने के लिए अवरक्त विकर्ण पर आधारित तकनीक का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, यह तकनीक परावर्तित प्रकाश के स्थान पर उत्सर्जित विकिरण का प्रयोग करती है और अधिकांश जीवित पदार्थ जो हैं, विशेष रूप से मानव, ब्रैकेट में दिया हुआ है, अवरक्त विकिरण उत्सर्जित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। आपने सोचा होगा कई बार कि मच्छरों को पता कैसे चलता है अंधेरे में कि जो है वो हमें काटने लगते हैं, जैसे लाइट चली जाती है और मच्छर काटते हैं तो कैसे उनको पता चलता है, क्योंकि मानव का जो शरीर है वो गर्म खून के प्राणी होते हैं हम लोग, तो अवरक्त विकिरण जो है हम उत्सर्जित करता है मानव। जी हाँ, मनुष्य जो है वो अवरक्त विकिरण या जितने भी गर्म खून के प्राणी हैं वो अवरक्त विकिरण जो है उत्सर्जित करते हैं, और जो मच्छरों का एंटीना है जो उनके सिर पर होता है वो इस रेडिएशन को पहचान लेता है। इस वजह से हमें मच्छर लगते हैं अंधेरे में भी, बिना उनको आँखों की ज़रूरत भी नहीं है और वो अपना भोजन प्राप्त कर सकते हैं, काटना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो ये किसके वजह से होता है, ये अवरक्त विकिरण के वजह से होता है। इसके अलावा एक प्रश्न पूछा जाता है कि सूर्य का जो प्रकाश है उसके सीधा हमारे प्रवेश जब शरीर के एंटर होता है, जब हमारे स्किन पर जो है सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो हमें गर्माहट का एहसास होता है, इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे भी रीज़न यही है कि सूर्य के प्रकाश में अवरक्त विकिरण होती है, वो अवरक्त विकिरण होती है इसीलिए हमें गर्माहट का जो है एहसास होता है। इसके अलावा जो कार्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, सर्दी के मौसम में जो फॉग जम जाती है वातावरण में, उसको साफ करने के लिए कार के पीछे जो है एक लाइनिंग लगी होती है लाल रंग की, वो भी अवरक्त विकिरण का काम करती है जिससे कि जो है फॉग छट जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा रात्रि के समय कई जैसे आतंकवादी लोग और या फिर पुलिस फोर्स में जो है बंदूकों में एक रेडिएशन लगा होता है लाल रंग का, कई बार आपने फिल्मों में देखा होगा, वो भी दरअसल अवरक्त विकिरण का उदाहरण है। इसके अलावा टीवी जो कंट्रोल करते हैं हम रिमोट से, रिमोट के अंदर एक जो है बल्ब लगा होता है, वो भी अवरक्त विकिरण से ही काम करता है सिद्धांत पर। तो अवरक्त विकिरण के आपने देखे कितने सारे प्रश्न बन गए, तो स्टेटमेंट और कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो इस तरह के यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। मेरी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा तथ्य जो है क्लियर करा दूँ ताकि प्रश्न कहीं से भी घूम के आए आप करने में सक्षम रहें। अब यहाँ पर देखिए बहुत अच्छा प्रश्न दे रखा है, आपने बार बार सुना होगा नाभिकीय संयंत्र। नाभिकीय संयंत्र जहाँ पर जो है एटम को तोड़ा जाता है यूरेनियम 235 को और बिजली का उत्पादन किया जाता है, ठीक है आप जानते हैं। तो डायरेक्ट प्रश्न आपने कई बार सुना होगा, देखा भी होगा कि नाभिकीय संयंत्र में जो है मंदक कूलेंट के रूप में क्या प्रयोग किया जाता है, तो हम जानते हैं गुरुजल, गुरुजल को इसमें भारी जल कह रखा है D2O। तो भारी जल का प्रयोग शीतलक और मंदक दोनों के रूप में किया जाता है, बिल्कुल सही बात है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो एटम टूटते हैं उससे बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है और इस पूरी रिएक्शंस को जो कि मल्टीपल चेन होती चली जाती है इसको शांत करने के लिए जो है मंदक का प्रयोग किया जाता है, वरना पूरा थर्मल जो स्टेशन है, जो न्यूक्लियर रिएक्टर का स्टेशन है, वो फट सकता है, इसीलिए उसको कंट्रोल करने के लिए रिएक्शंस को मंदक का प्रयोग किया जाता है, जिसमें कि भारी जल का प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, ग्रेफाइट का प्रयोग मुख्य रूप से मंदक के रूप में किया जाता है जबकि बोरोन जो है नियंत्रक क्षणों में प्रयुक्त होता है, बिल्कुल सही बात है। तो ध्यान रखिएगा कई बार कैडमियम भी दे देता है, तो कैडमियम की रॉड्स का भी प्रयोग किया जाता है, बोरोन के रॉड्स का भी प्रयोग किया जाता है। तीसरा स्टेटमेंट, टोकामैक तकनीक में गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रयोग कर उच्च ताप उत्पन्न किया जाता है, ये बिल्कुल गलत है बात है, क्योंकि गुरुत्वीय क्षेत्र का प्रयोग ना करते हुए चुंबक के जो मैग्नेटिज्म है, चुंबकत्व क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है ऊंचा तापमान उत्पन्न करने के लिए। फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जितना ईंधन खर्च करता है उससे ज़्यादा जो है वो बिजली उत्पन्न भी करता है, तो यहाँ पे ये स्टेटमेंट सही है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन सी, गुरुत्व की जगह चुंबकत्व। अनाज के उन्नत भंडारण के लिए प्रयुक्त गैसीय रसायन जिसकी पर्याप्त सांद्रता पीड़क जीवों को नष्ट करती है वह क्या है? 31वें का सही जवाब क्या होगा? एल्युमिनियम फॉस्फाइड, एल्युमिनियम फॉस्फाइड। अधिकांश प्रश्न जो है एनसीईआरटी से हैं दोस्तों। अब यहां पे देखिए सूक्ष्म जीवों के संदर्भ में आपने बार बार जैव उर्वरकों के बारे में एनाबीना और सोयाबीन के जो जैव उर्वरक हैं, इस आरओआर और यूपीपीएससी में हमेशा जैव उर्वरक पे एक प्रश्न तो रहता ही है। तो सूक्ष्म जीवों के संबंध में कथनों पर विचार करना है। ग्राम अभिरंजक के साथ प्रतिक्रिया के आधार पर जीवाणुओं को दो समूहों, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव में विभाजित किया गया है। दूसरा स्टेटमेंट है एनाबीना, नॉस्टॉक, नील हरित शैवाल के उदाहरण है।
जो कि धान की फसल में प्रयोग में लाए जाते हैं, जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का उपयोगी यौगिकों के रूप में स्थिरीकरण करते हैं। बिल्कुल सही बात है। झरनों, अवसादों, ज्वारंदमुखों तथा सागरों में पाए जाने वाले कुछ सूक्ष्मदर्शी शैवाल डायटम कहलाते हैं। एक्टोबैक्टर जीवाणुओं के साथ खमीर का उपयोग कर सिरका, एसिटिक अम्ल CH3COH आदि बनाया जाता है। तो आपने चारों स्टेटमेंट पढ़े, पहला स्टेटमेंट भी देख लीजिए, 26वें का सही जवाब क्या हो जाएगा? 26वें का सही जवाब है, चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। मैं फिर से बता दूं, जैव उर्वरक के ऊपर एक प्रश्न या दो प्रश्न आपको देखने को मिल सकता है। शैवाल आयोडीन के स्रोत होते हैं, इनको डायटम कहा जाता है। झरनों, अवसादों, ज्वारनमुखी सागरों में पाया जाता है और जैव ऊर्जा का स्रोत होते हैं। इसके अलावा जैव प्रदूषण जो पर्यावरण में होता है उसके सबसे पहले सूचक भी शैवाल होते हैं। इसके अलावा एनाबिना, नीलहरित शैवाल, नॉस्टॉक, इनके बारे में पता होना चाहिए, नाम के बारे में, कौन सा किस फसल में प्रयोग होता है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। यहाँ पे हिस्ट्री का एक प्रश्न दिया हुआ है, सुमेल करना है इस तरीके से। तो 24वें का सही जवाब क्या होगा? वॉरेन हेस्टिंग्स, इंग्लैंड लौटने पर इन पर जो है महाभियोग चलाया गया। बिल्कुल सही बात है, एकमात्र गवर्नर जनरल लॉर्ड वेरी जेली, यह खुद को बंगाल का शेर कहता था, लॉर्ड हेस्टिंग्स, इसके समय में सुगोली की संधि हुई, लॉर्ड मिंटो प्रथम, अमृतसर की संधि, ऑप्शन ए। ये तो इजी प्रश्न होगा, इतना कठिन नहीं है। मोतीलाल नेहरू जैसे स्वराजी परिषद में प्रवेश करना चाहते थे क्योंकि वे नए संविधान को कम से कम एक मौका देना चाहते थे, क्योंकि वे कांग्रेस के उदारवादी पक्ष में से थे। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। उन्हें पता था कि असहयोग आंदोलन की वापसी के बाद युवा हताश हो चुके थे, परिषद में प्रवेश से राष्ट्र को प्रेरित किया जा सकता है, यह भी स्टेटमेंट गलत है। वे नवीन संविधान के खोखलेपन को दर्शाना चाहते थे, जी हाँ, इसीलिए उन्होंने, उनको जो चैलेंज किया गया था कि वो नया संविधान जो है बनाकर दिखाएं, और उन्होंने जो है बकायदा अपने टीम के साथ एक नया संविधान का खाका तैयार कर दिया था। तो ये स्टेटमेंट जो है सही है। चित्रंजन दास और सी आर दास और मोतीलाल नेहरू जी ने जो है स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। हिस्ट्री से आपको बहुत सारे प्रश्न जो है डायरेक्ट भी मिलेंगे, और भारत में मानसून के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो मानसून के ऊपर जो है चार स्टेटमेंट यहाँ पर दिए हुए हैं, इसको पढ़ते हैं। पहला जरा स्टेटमेंट देखिए, भारत में सही नहीं है ये बताना है। भारत में जून सितंबर समय अवधि में दक्षिण पश्चिम मानसून का अधिक प्रभाव रहता है, अक्टूबर दिसंबर समय अवधि में उत्तर पूर्व मानसून का प्रभाव रहता है। बिल्कुल सही बात है, आपने कई बार प्रश्न देखे होंगे, तो दक्षिण पश्चिम मानसून की बिल्कुल अवस्थिति सही बता रखा है, जून से सितंबर। इसके अलावा उत्तर पूर्व मानसून, उसको लौटता हुआ मानसून भी कहा जाता है, जो कि तमिलनाडु में खूब वर्षा करता है और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, उड़ीसा, यहाँ पर जो है चक्रवातों का प्रभाव अक्टूबर नवंबर में रहता है लौटते हुए मानसून के कारण। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में अधिक वर्षा होती है। दक्षिण भारत के पूर्वी भाग में, जो ये बिल्कुल गलत बात है, तो ये बात कर रहा है आंध्र प्रदेश उड़ीसा की, जहाँ पर लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है। ये प्रश्न जो है मैप से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, दक्षिण भारत के पूर्वी हिस्से की बात हो रही है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। तमिलनाडु दक्षिण पश्चिम मानसून ऋतु के दौरान प्राय अधिक वर्षा प्राप्त नहीं करता, सूखा ही रह जाता है, वो हमेशा लौटते हुए मानसून यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के दौरान तमिलनाडु जो है उत्तर पूर्वी मानसून से अधिक वर्षा प्राप्त करता है। और ये जो तमिलनाडु है इसकी अवस्थिति कहाँ है? दक्षिण भारत का पूर्वी हिस्सा ही है, ठीक है, इससे जरा आप अंदाजा लगा सकते हैं। चलिए तीसरा स्टेटमेंट देख लीजिए, दक्षिण पश्चिम मानसून के दौरान कम वर्षा प्राप्त करने वाले क्षेत्रों में राजस्थान का मरुस्थल, पश्चिमी घाट, पर्वत श्रेणियां, पूर्वी भाग के दक्षिण पठार और लद्दाख हैं। मानसून के दौरान दार्जिलिंग और शिलांग के आसपास के पूर्वी हिमालय क्षेत्रों में आर्द्र क्षेत्रों में से एक होते हैं, क्योंकि मानसून जब हिमालय श्रेणी की ओर बढ़ता है तो यह बंगाल खाड़ी से अतिरिक्त नमी प्राप्त करता है। बिल्कुल सही बात है।
चलिए यहां पे हिमालयी नदियों और प्रायद्वीपीय नदियों के बीच कौन सा सही अंतर है? तो एनसीईआरटी 11th का क्वेश्चन है, ये चार स्टेटमेंट है 42वें का, तो कौन सा सही अंतर है ये बताना है। ऑप्शन भी कई सारे हैं, 2, 3, 1, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, तो मैं एक एक स्टेटमेंट पढ़ता हूँ ध्यान से। चलिए पहला स्टेटमेंट है, हिमालयी नदियाँ बारहमासी नदियाँ होती हैं क्योंकि हिमानियों से बर्फ पिघलने के कारण वर्ष भर जल प्रवाह होता रहता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा आधारित नदियाँ या मौसमी हैं। अब देखिए इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, ये आप UPPCS के मेंस में भी डायरेक्ट कर सकते हैं, पूछा भी जाता है। अगर इसी को जो है अगर 100 शब्दों में लिखना हो तो आप इसी को जो है प्रश्न को लिख भी सकते हैं, तो ये फ़ायदा भी है, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा अगर NCERT आप पढ़ते हैं तो। तो यहाँ पे हिमालयी नदियाँ बारहमासी हैं और जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा पर आधारित होती हैं, बिल्कुल सही बात है, ग्लेशियर पर आधारित है जो ऊपर की तरफ बनती है हिमालय में, तो ये बारहमासी नदियाँ बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। हिमालय नदियों में से उच्च अपरदन होता है, जल का तीव्र प्रवाह होता है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियों से काफ़ी कम अपरदन होता है और जल का प्रवाह भी क्षीण होता है। बिल्कुल सही बात है, ऊंचाई से बहती हुई आती हैं तो जल का उच्च अपरदन तो होगा ही। हिमालयी नदियों में अत्यधिक विसर्पण होता है जबकि प्रायद्वीपीय नदियां सीधी होती हैं, हिमालयी नदियां तीव्र बहाव वाली होती हैं, वहीं प्रायद्वीपीय नदियां धीमे बहाव वाली होती हैं। हिमालयी नदियां जल विद्युत का स्रोत है जबकि धीमे बहाव के कारण प्रायद्वीपीय नदियां जल विद्युत का स्रोत नहीं है। यहां पर केवल 3 स्टेटमेंट, ऊपर के 3 स्टेटमेंट सही हैं। हम जानते हैं कि हिमालय की नदियां जल विद्युत का स्रोत तो है, लेकिन इसमें यह गलत बात बोल दी है कि धीमे बहाव के कारण प्रायद्वीपीय नदियां जल विद्युत का स्रोत नहीं है, ऐसी बात नहीं है, वहां पर भी जल विद्युत के स्रोत हैं। और ये बात याद रखना है आपको कि प्रायद्वीपीय नदियां जो हैं उनका बहाव तेज है, यही कारण है कि वहां पर वो ज्वारंदमुखी एस्चुरीज का निर्माण करते हैं, जबकि हिमालयी नदियां जो हैं वो काफ़ी लंबे और विसर्पण के कारण जो है डेल्टा का निर्माण करती हैं, और प्रायद्वीपीय नदियों की तुलना में हिमालय की जो नदियाँ हैं उनकी जो स्पीड है वो कम है। तो चौथा स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है पूरी तरीके से, आपके पहले 3 स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक है, चलिए वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिएगा दोस्तों। एनसीईआरटी के सारे प्रश्न हैं, कोई इतने कठिन प्रश्न नहीं है, ऑप्शन को जो है पहले पूरा पढ़िए ध्यान से। भारतीय मानसून के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक भूमिका निभाते हैं? भारतीय मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून की बात हो रही है। दक्षिण पश्चिम मानसून एक ऐसा टॉपिक है जो कि UPPCS हो UPSC हो यहाँ पर मेंस में जो है हमेशा 1 से 2 प्रश्न जो है ज्योग्राफी में बनेगा ही बनेगा, तो इसके लिए NCERT की बुक्स को पढ़िए और अपना कंसेप्ट क्लियर करिए। आप कहेंगे कमेंट में तो इस तरह के टॉपिक्स को लेकर के हम विस्तार से भी बात करेंगे। तो यहाँ पे सही जवाब क्या है, भारतीय मानसून के जो कारक हैं उसमें भूमिका, आप देखिए मेंस का एक तरह से सब्जेक्टिव क्वेश्चन है लेकिन पूछा गया है 4 स्टेटमेंट के रूप में। तो यहाँ पर देखिए 47वां प्रश्न, स्थल और समुद्र का तापांतर, बिल्कुल सही बात है। हिमालय और तिब्बत के पठार की भूमिका, बिल्कुल सही बात है। ऊपरी जेट स्ट्रीम के परिसंचरण क्षोभ मंडल में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों पर ऊपरी ध्रुवों भंवर की भूमिका, ये भी सही है। दक्षिणी प्रशांत और हिंद महासागर में एल नीनो की घटना, जी हाँ एल नीनो ला नीनो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब ये प्रश्न जो है पूछा गया है PT में UPPCS के प्री में, लेकिन इसके ऊपर मेंस में भी जो है प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, आपसे 100 शब्द 200 शब्द लिखवाया जा सकता है, तो ऐसे प्रश्नों के लिए आपको कम से कम NCERT पढ़ना अनिवार्य है। यहाँ पर डी है, 1, 2, 3, 4, चारों ही स्टेटमेंट सही हैं और चारों ही जो हैं भारतीय मानसून यानी कि दक्षिण पश्चिम मानसून के कारक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में जनसंख्या के घनत्व के वितरण के प्रारूप के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दक्षिण के तटीय मैदानों में जनसंख्या का कम घनत्व है, किन्नौर जैसलमेर पश्चिमी सियांग लोहित दोनों अरुणाचल प्रदेश में, लाहौल और स्पीति हिमाचल प्रदेश में अत्यंत कम जनसंख्या घनत्व है, नगरीकरण ने जनसंख्या के संकेंद्रण को सरल बनाया है
उथली मिट्टी वाले क्षेत्रों में जनसंख्या का कम घनत्व है। तो 49वें का जो सही नहीं है वो है ऑप्शन ए, दक्षिण के तटीय मैदानों में उच्च जनसंख्या घनत्व है, इस बात को याद रखिएगा। सतलुज गंगा मैदान उच्च और अत्यंत उच्च जनसंख्या घनत्व के सबसे बड़े क्षेत्र हैं। मरुस्थलीय और जटिल भूभागों से कम जनसंख्या पाई जाती है। तो ये बात तो हम सिंधु घाटी सभ्यता से ही जानते आ रहे हैं कि नदियों के किनारे जो है सभ्यता बस्ती आई है, जहाँ पर जितनी बड़ी नदी होगी, जितना साफ पानी होगा, वहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण जो है अधिक पाया जाएगा। भारत की सबसे बड़ी लंबी नदी है गंगा और इसके किनारे कई सारे शहर बसे हुए हैं, वो इसका उदाहरण है। इसके अलावा दक्षिण भारत में भी जो है नदियों के किनारे जो है आबादी अधिक है। तो ऑप्शन ए गलत है यहाँ पे। इस तरह का बेसिक कंसेप्ट जो है आपको क्लियर करके चलना है अपने माइंड में। यह आंध्र प्रदेश में है और पूर्वी घाट का एक अंग है। यह कुड़प्पा तंत्र से संबंध है। पता होना चाहिए आपको कुड़प्पा, गोंडवाना, धारवाड़ किसकी क्या विशेषता है, क्योंकि बार बार प्रश्न जो है रिपीट होता है। यह अभ्रक, भारत जो है अभ्रक शीट का सबसे बड़ा उत्पादक है, यह भी पता होना चाहिए। यह अभ्रक लोह, मैग्नीज, चूना पत्थर इत्यादि जैसे खनिजों का भंडार है। राष्ट्रीय राजमार्ग 9 इससे होकर गुजरता है। यह श्रेणी है, किसकी बात हो रही है, ये नल्ला मल्ला श्रेणी की बात हो रही है। यूपीएससी में इस तरह के प्रश्न जो है देखने को मिलता है। नामदफा श्रेणी कहाँ पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश में, याद रखना है। लैमाटोल श्रेणी मणिपुर, अन्नामलाई श्रेणी तमिलनाडु केरल की सीमा, जो कि दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है और दूसरी सर्वोच्च चोटी दोदावेटा है। अनाईमुड़ी जो है इसकी सर्वोच्च चोटी है अन्नामलाई श्रेणियों की, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची श्रेणी। नल्ला मल्ला श्रेणी जो है वो आंध्र प्रदेश, ठीक है। इस तरह से भी प्रश्न जो है पूछा जा सकता है सुमेल करने को लेकर के, किनकी अवस्थिति कहाँ है पता होना चाहिए। हाल के वर्षों में भारत में गहन कृषि के प्रारूप में कौन से परिवर्तन देखे गए हैं। गहन कृषि, फसल विशेषीकरण में वृद्धि में प्रवृत्ति। अब गहन कृषि को जरा समझने की कोशिश करिए, गहन कृषि क्या होता है। भारत में गहन कृषि बहुत ही बड़े पैमाने पर होती है, क्योंकि यहाँ आबादी तो बहुत ज़्यादा है लेकिन जोत, खेतों का जो आकार है वो बहुत छोटा है, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे पुत्रों की संख्या बढ़ती जाती है, बंटवारा होता चला जाता है और खेतों का जो आकार है वो छोटा होता चला जाता है। तो गहन कृषि क्या होता है कि छोटे भूखंड से अधिकतम उत्पादन पर बल देना गहन कृषि कहलाता है। इसमें जो है अधिक मानव क्षमता और उर्वरकों का उपयोग किया जाता है उत्पादन बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर बी हो जाएगा इसका सही जवाब। ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, केवल एक और तीन। फसल विशेषीकरण में वृद्धि की प्रवृत्ति, कृषि वाणिज्यीकरण की प्रवृत्ति, गहन कृषि में भारत में, और उर्वरकों का जो है उपयोग बहुत बड़ी मात्रा में किया जाता है पता होना चाहिए। चलिए, जल अभाव तथा ताप के प्रति अनुकूलन का कौन सा तरीका पौधे नहीं अपनाते हैं। तो यहाँ पर पर्यावरण से एक प्रश्न है। पौधों के बारे में हम जानते हैं कि राजस्थान और सूखे जगहों पर जहाँ पानी नहीं मिलता है वहाँ पौधों में कांटे दिखते हैं हमें, ताकि वाष्पोत्सर्जन कम हो और जड़ें जो है उनकी लंबी हो जाती है पानी की खोज में। तो यहाँ पर ज़रा देखते हैं स्टेटमेंट के रूप में क्या पूछा गया है। जल का अभाव तथा ताप के प्रति अनुकूलन का कौन सा तरीका पौधे नहीं अपनाते हैं। तो वार्षिक पौधे बीज से जल्दी अंकुरित होकर अपना जीवन चक्र वर्षा ऋतु में जल्दी जल्दी पूरा करते हैं तथा शुष्क मौसम में बीज के रूप में जीवित रहते हैं, सही बात है। कुछ पौधों की जड़ प्रणाली सतह के निकट विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है ताकि वे बड़े क्षेत्र में जल एकत्रित कर सके। कुछ पौधों की जड़ प्रणाली सतह के निकट, जी नहीं, सतह के निकट नहीं, सतह के गहराई में जल की खोज में काफ़ी दूर निकल जाते हैं। और ये जो सतह के निकट की बात हो रही है, ये मूंगफली की जो फसल है वो इसी तरह की होती है कि ऊपरी ऊपर जो है लेयर के रूप में जो है अपनी सतह के निकट विस्तृत क्षेत्र में फैली होती है। तो यहाँ पर शुष्क जो है जल अभाव वाले क्षेत्रों में हमेशा पौधों की जड़ें जो है लंबी पाई जाएंगी, इस बात को ध्यान रखें। कुछ पौधे अपने रंध्र, स्टोमाटा की बात हो रही है, पौधों की जो पत्तियों में छिद्र होते हैं उसकी, उसको रंध्र कहा जाता है। कुछ पौधे अपने रंध्र दिन में बंद कर लेते हैं ताकि जल की कम हानि हो, जी हाँ, वाष्पोत्सर्जन। इसके अलावा पौधे एक और जो है तरीका अपनाते हैं, उनमें कांटे विकसित हो जाते हैं, ठीक है, कांटों से भी जो है उत्सर्जन कम होता है, पत्तियां कम पैदा करते हैं
ताकि स्टोमाटा से ज़्यादा वाष्पो जो है एवापोरेशन ना हो। कुछ पौधों के पत्ते अत्यधिक छोटे होते हैं, अत्यधिक छोटे भी यही ये बात कह रहा हूँ मैं कि छोटे होंगे या फिर कांटों का रूप ले लेते हैं ताकि उनमें जो है एवापोरेशन वाष्पोत्सर्जन कम से कम हो ही ना। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी होगा। ये सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे दोस्तों, और इस तरह के प्रश्न अगर आपको अच्छे से आ रहे हैं तो यकीन मानिए आप यूपीएससी लेवल तक की आपकी जो है तैयारी हो रखी है। जलवायु परिवर्तन पर हुए सम्मेलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। क्वेश्चन संख्या 54, वाशिंगटन सम्मेलन 1972 में साइट्स पर आम सहमति बनी यह विश्व का सबसे बड़ा वन्य जीव संरक्षण समझौता है। वियना कन्वेंशन के तहत 16 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय ओजोन क्षरण दिवस मनाने की घोषणा हुई। क्योटो प्रोटोकॉल में एजेंडा 21 प्रस्तुत किया गया। बाली कार्य योजना में विश्व का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि ना होने देने का लक्ष्य रखा गया। तो बताना है आपको कौन सा असत्य है। प्रश्न संख्या 54, और यहां पर सभी असत्य हैं। जी हाँ, सभी असत्य हैं, यहां पर सभी गलत है। तो सही क्या है मैं पढ़ देता हूं। वाशिंगटन सम्मेलन 1973 में हुआ था और साइट्स पर आम सहमति बनी थी। यह विश्व का सबसे महत्वपूर्ण वन्य जीव संरक्षण समझौता है। 1973, 16 सितंबर को मॉन्ट्रियल कॉन्वेंशन के अंतर्गत ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, वियना कॉन्वेंशन नहीं होगा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, ओजोन लेयर से संबंधित है। ओजोन लेयर में जो छेद होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के दौरान, उससे उसको जो है कम करने को लेकर के ये समझौता हुआ था। एजेंडा 21, जिसमें कि 5 एजेंडा तय किए गए थे, रियो डी जेनेरियो सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया था। बाली कार्य योजना जो है विश्व तापमान को 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की वृद्धि ना होने देने का लक्ष्य जो है रखा गया था। तो यहाँ पर सभी स्टेटमेंट गलत हैं। क्योटो प्रोटोकॉल, वियना कन्वेंशन, साइट्स, एक्सीटू उद्यान, इंसीटू उद्यान, इसके अलावा कई सारे प्रश्न और भी हैं पर्यावरण से रिलेटेड, उनको अच्छे से तैयार करिएगा, एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार। इनमें से कौन सी विधि बहिस्थानिक संरक्षण नहीं है? अब यहां पे देखिए शुद्ध हिंदी दिया हुआ है शब्द, एक्सीटू और इंसीटू की बात हो रही है। एक्सीटू उद्यान, इंसीटू उद्यान, इनकी बात हो रही है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, पहले आंसर बता देता हूं। ऑप्शन डी है, बहिस्थानिक संरक्षण नहीं है। राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र जो है ये इंसीटू होते हैं। ठीक है, इंसीटू, इंसीटू संरक्षण में जानवरों को उनके आवास से दूर नहीं ले जाया जाता, लेकिन एक्सीटू जिसको कि बहिस्थानिक संरक्षण कहा जाता है उसमें जो है उनके आवास से दूर ले जाया जाता है। दीर्घावधिक संरक्षित प्रजनन, अल्पावधि वंश वृद्धि, पशु स्थानांतरण, प्रजनन बहिस्थानिक संरक्षण की विधियां हैं। ठीक है, तो मैंने विधियां भी बता दी है आपको, तो ध्यान देख लीजिए। प्रश्न जो है पूछा गया है प्रीवियस ईयर का, एक्सीटू और इंसीटू के बारे में हमेशा जो है प्रश्न रिपीट होते हैं, पता होना चाहिए। तो यहाँ पर इंसीटू का एग्जाम्पल है राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, और बाकी के ऊपर 3 जो है ये एक्सीटू जिसको कि बहिर्स्थानिक कहा जाएगा। साझे लेकिन पृथक उत्तरदायित्वों का सिद्धांत किसके लिए वैधानिक आधार है? क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, इस बात को याद रखना है आपको। और ये साझे लेकिन पृथक उत्तरदायित्वों के सिद्धांत पर एक वैधानिक आधार पर आधारित है। ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? लोकसभा पॉलिटिक्स आज एक ही प्रश्न हम लेंगे। पहला स्टेटमेंट देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देता है। लोकसभा का विघटन होने पर अध्यक्ष अपने पद रिक्त नहीं करता है, तब तक पद पर बना रहता है जब तक कोई नई निर्वाचित लोकसभा की बैठक नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्मीकांत की बुक पढ़िए, उसमें आपको मिलेगा ये स्टेटमेंट। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 माह से अधिक नहीं हो सकती। बिल्कुल सही बात है,
राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र देता है क्योंकि वह इसका अधीनस्थ होता है। राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित करते हुए तो पूछा है प्रश्न सही नहीं है। अगला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यदि राज्यसभा का उपसभापति सदन का संचालन कर रहा होता है तो राज्यसभा के सभापति के समान वह पहली बार मतदान नहीं कर सकता, केवल मत बराबर होने की दशा में ही मतदान कर सकता है। तो यहाँ पर यह भी स्टेटमेंट सही है, ये भी सही है और ऊपर वाला भी सही है। ऑप्शन सी स्टेटमेंट जो है, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र देता है, लेकिन ऐसा इसलिए नहीं होता कि वह राज्यसभा के सभापति के अधीनस्थ होता है। राज्यसभा का उपसभापति सदन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो सही होते हुए गलत है। फिर से सुन लीजिए मैंने क्या कहा, राज्यसभा का उपसभापति राज्यसभा के सभापति को संबोधित हस्ताक्षर द्वारा त्यागपत्र दे सकता है, लेकिन इसलिए नहीं क्योंकि वह राज्यसभा के अधीनस्थ होता है, बल्कि राज्यसभा का उपसभापति सदन के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होता है, इसलिए इस लिहाज से यह स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएंगे। कैसा लगा आज का वीडियो अवश्य बताएं। अपना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो करंट या फिर हिंदी आरओ आरओ के संदर्भ में हो सकता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।